नमस्कार, गुड लक टिप्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अर्पित। दर्शकों, रोज लेकर आते हैं हम आपका दैनिक राशिफल, साथ ही आपके लिए कुछ नया और आपकी समस्याओं के समाधान भी। लेकिन आज जानेंगे अंकों के अनुसार क्या कहता है आपका भविष्य, आपके इस पसंदीदा कार्यक्रम गुड लक टिप्स में। दर्शकों, अंकों का हमारे जीवन में एक अलग ही महत्व है। ये अंक आपकी स्थिति को बिगाड़ सकते हैं और अच्छी भी कर सकते हैं। आज हम जानेंगे मूलांक के अनुसार आपका भविष्य क्या कहता है आपके बारे में, और इसे बताने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है अंक ज्योतिषी डॉक्टर कैलाश प्रज्ञ सुथार जी। कैलाश जी, बहुत बहुत स्वागत है। गुड लक टिप्स के सभी दर्शकों का आज का दिन मंगलमय हो, ऐसी शुभकामनाओं के साथ जय श्री कृष्ण। तो दर्शकों, अगर आपको भी कोई समस्या है जिसका आप समाधान जानना चाहते हैं हमसे, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होता रहेगा। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि मूलांक के अनुसार कैसा रहने वाला है आपका भविष्य। नमस्कार दोस्त, आज हम बात करेंगे आपके मूलांक के अनुसार क्या कहता है आज का दिन, आज का भविष्य। और शुरुआत करते हैं मूलांक एक से। सूर्य का अंक है, आपको अपनी मेहनत के अनुसार जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा है। आपका पुराना पैसा भी रुक सकता है, नया निवेश करने से बचिएगा, लेन देन में सावधानी बरतें। और मूलांक एक के लिए अगर शुभ रंग की हम बात करें, सफेद जो रंग रहता है वो विशेष रूप से लाभदायक सिद्ध होगा। मूलांक दो चंद्रमा का भोले शंभु भोलेनाथ का अंक है, हल्का बुखार भी हो सकता है, तबीयत ठीक नहीं रहेगी आज आपकी, खर्चा भी अधिक होगा, साथियों से मन मुटाव होने के योग बन रहे, व्यापारी लोग थोड़ा सावधानी बरतें। और मूलांक दो के लिए शुभ रंग की अगर हम बात करें, पीला जो रंग रहता है येलो कलर, वो कपड़ों के अंदर और खान पान के अंदर विशेष रूप से लाभदायक सिद्ध होगा। मूलांक तीन अंक ज्योतिष का सर्वश्रेष्ठ अंक 3, 12, 21 और 30 जन्म तारीख वालों के लिए जल्दबाजी करने से आपके कुछ बड़ा नुकसान भी हो सकता है। बिना सोचे समझे किसी से कोई वादा न करें, पति से दूरी रहेगी। मूलांक तीन के लिए अगर शुभ रंग की हम बात करें, गुलाबी जो रंग रहता है पिंक कलर, वो आज आपको विशेष रूप से लाभदायक सिद्ध होगा। कैलाश जी, आगे बढ़ने से पहले आज जिस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं वो विषय है गणेश चतुर्थी। जी, गणेश जी को कहते हैं कि वो मंगलदाता होते हैं। जी, किसी भी काम की शुरुआत करने से पहले गणेश जी को पूजा जाता है। तो सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा कि गणेश चतुर्थी आने वाली है। जी, तो गणेश चतुर्थी का महत्व क्या है सबसे पहले? दर्शकों, भारतवर्ष के अंदर सभी व्यक्ति विशेष गणपति बप्पा मोरिया और गणेश चतुर्थी का त्यौहार बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। 25 अगस्त को गणेश चतुर्थी है, और गणेश चतुर्थी वैसे हर महीने की जो चतुर्थी गणेश चतुर्थी के रूप में मनाई जाती है, लेकिन भाद्रपद की जो ये चतुर्थी रहती है वो अपने आप में सर्वश्रेष्ठ और काफ़ी बलिष्ठ मानी जाती है। गणेश चतुर्थी वाले दिन भगवान गणेश की विधि विधान से अगर पूजा अर्चना की जाए तो वो सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। और गणेश चतुर्थी का भगवान शिव से जो संबंध है, और शिव के जो पुत्र के रूप में गणेश माने जाते हैं, गणेश जी का जन्म अवतार रहता है, और माँ पार्वती का भगवान श्री गणेश को आशीर्वाद रहता है, सभी चीज़ों का जो समावेश के रूप में गणेश चतुर्थी का महत्व है वो कम समय के अंदर मुसीबतों कष्टों से मुक्ति के लिए किया जाता है। और गणेश चतुर्थी वाले दिन अगर कोई कार्य या शुभ रिश्ते की शुरुआत की जाए तो वो भी सदैव सफल और सर्वश्रेष्ठ और सुखद हमारे जीवन में रहते हैं। कैलाश जी, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, सोहनलाल जी हैं चित्तौड़गढ़ से। इनकी जन्म की तारीख है 31/8/1966। सोहनलाल जी, आपका स्वागत है, सवाल पूछिए। जय श्री कृष्ण। सोहनलाल जी, जी सर, मैं ये पूछना चाह रहा था, जैसे अभी मैं होटल लाइन का बिजनेस कर रहा हूँ और न मैं इसमें आगे बढ़ पाया हूँ, जी सोहनलाल जी, जी कैलाश जी, वो यही जानना चाहते हैं कि व्यापार से संबंधित बहुत समस्याएं चल रही है बहुत समय से, तो उसका कुछ समाधान चाहते हैं आपसे। सोहनलाल जी, 31 अगस्त 1966, 31314 का अंक राहु का है, ये होटल मैनेजमेंट का नंबर ही नहीं है। अगर आपको फूड इंडस्ट्री के अंदर
कैरियर बनाना है, इस होटल को बढ़ाना है, तो या आप पार्टनरशिप कीजिए किसी महिला विशेष के साथ, चाहे वो आपकी पुत्री हो, माँ हो या पत्नी हो, कोई ज़रूरी नहीं 50-50 की पार्टनरशिप हो, आप 10% और 90% की पार्टनरशिप भी कर सकते हैं, लेकिन साझेदारी में किया हुआ व्यापार ही आपको सफलता प्रदान करेगा। और 2017 कैलेंडर वर्ष भी काफ़ी अच्छा चल रहा है, महिला प्रधान अपने व्यापारिक स्थल या होटल है उसका नाम रखिए, नामांकन थोड़ा सा बदलिए, महिला प्रधान नाम रखिए, साझेदारी भी किसी महिला के साथ कीजिए, आपको अपने इस होटल के कारोबार में काफ़ी लाभ रहेगा। और चूंकि होटल का काम सारा भगवान श्री गणेश का माना जाता है, तो अपने होटल में गणेश पूजा नित्य कीजिए, अगर आप नहीं कर पाते तो होटल का जो स्टाफ है उनसे प्रतिदिन करने को कीजिए। तो दर्शकों, अगर आपको भी कोई समस्या है जिसका आप समाधान जानना चाहते हैं हमसे, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, हमारा नंबर लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होता रहेगा। पंडित जी के लिए दर्शक और जुड़े हैं जयपुर से, मनोज जी हैं, इनके जन्म की तारीख है 6/5/87। मनोज जी स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। नमस्कार, मनोज बोल रहा हूँ जी। मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि आने वाले कुछ एक दो महीने में जो है मैं परिवर्तन करना चाह रहा हूँ, स्थान परिवर्तन करना चाह रहा हूँ, अभी जयपुर हूँ और स्थान परिवर्तन करना चाह रहा हूँ, तो आपसे मैं जानना चाह रहा था कि कैसा रहेगा, क्या जो समय है। मनोज जी आपके जन्म की तारीख 6 मई 1987, 6 का अंक शुक्र का माना जाता है, और चलित में जो अगस्त का महीना और सितंबर अक्टूबर दोनों तीनों ही महीने बहुत अच्छे और शुभ फलदायी है। आप 19 अगस्त से लेकर 19 अक्टूबर के बीच में अगर स्थान परिवर्तन करते हैं तो सर्वश्रेष्ठ रहेगा। 19 अक्टूबर के बाद अगर आप स्थान परिवर्तन करते हैं तो थोड़ा सा सोच समझ कर नई जगह जहाँ जा रहे हैं पहले वहाँ तालमेल बिठा के फिर कीजिएगा, लेकिन 19 दिसंबर के बाद अगर आपको जाने का मौका मिले तो मत जाइएगा। 19 दिसंबर के बाद जाना आपको नए काम में सफलता नहीं बल्कि कष्ट प्रदान कर सकता है। जी कैलाश जी, आपसे जानना चाहूंगा कि भगवान गणेश पर हम चर्चा कर रहे थे जी, भगवान गणेश जो है उनकी पूजा कब करनी चाहिए, सुबह करनी चाहिए, शाम को करनी चाहिए, पूजाना चाहिए? दर्शकों, वैसे तो भगवान श्री गणेश प्रथम पूज्य हैं, जब समय मिल जाए, जब इच्छा हो जाए भगवान गणेश की पूजा करने से भगवान गणेश प्रसन्न रहते हैं, लेकिन गणेश चतुर्थी का जो महात्म्य है वो दोपहर में ठीक 12 बजे भगवान श्री गणेश की पूजा अर्चना की जाती है, और उसमें भी घर के जो मुख्य द्वार के बाहर भगवान श्री गणेश की प्रतिमा लगाई जाती है उसी की पूजा की जाती है। मंदिर में तो कर सकते हैं लेकिन मुख्य द्वार के बाहर जो भगवान श्री गणेश की प्रतिमा है उसकी पूजा अर्चना करना, वो भी दोपहर में ठीक 12 बजे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। उसमें भी गुड़ और दुर्वा जो दोब रहती है, हरी घास, उसका भोग लगाना सर्वश्रेष्ठ है, और भगवान श्री गणेश के साथ रिद्धि और सिद्धि की भी पूजा कीजिए, और घर के बाहर जब पूजा करें तो सदैव लड्डू का भोग लगाएं, वो भी पीले कलर के लड्डू जिसमें अन्यथा किसी और फल फ्रूट या मिठाई का समावेश न हो, और सपत्निक या सब परिवार अगर आप पूजा करते हैं भगवान श्री गणेश की तो पारिवारिक कुटुंब के हिसाब से सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। और गणेश पूजा के बाद घर के मंदिर में शिव पूजा जरूर करनी चाहिए, और भगवान श्री गणेश की पूजा और शिव पूजा के साथ माँ पार्वती को चुनरी भी चढ़ानी चाहिए, वो भी आपकी पूजा को पूर्ण रूपता प्रदान करता है और मनोकामना पूर्ति करता है। कैलाश जी के लिए एक दर्शक भी जुड़े हैं हमारे साथ, भरतपुर से ब्रजेश जी हैं, इनकी जन्म की तारीख है 20/8/66। ब्रजेश जी स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। सर मेरे क्या है कि पैर में सर्वर प्रॉब्लम रहती है, मतलब नीरो प्रॉब्लम, तो इसके बारे में पूछना चाहता हूँ कैसे सही होगी। ब्रजेश जी आपके जन्म की तारीख 20 अगस्त 1966, 2 और 0 2 का ही अंक है, चंद्रमा का अंक है, ये रोग का ही अंक है, इसलिए चलित में जो वर्ष चल रहा है 2017 उसमें विशेष सफलता नहीं मिलेगी। 2018 जो वर्ष रहेगा वो 2 के अंक का, आपके जन्म के अंकों का वर्ष रहेगा, चंद्रमा का वर्ष रहेगा। उस 2018 कैलेंडर वर्ष के अंदर भगवान शिव की आराधना कीजिए, शिव पूजा कीजिए, चंद्रमा जितना अच्छा रहता है आपको रोग से उतनी जल्दी मुक्ति मिल जाएगी। भगवान शिव की पूजा अर्चना करना, सफ़ेद रंग की मिठाई से श्रृंगार करना, सफ़ेद पुष्प चढ़ाना और सफ़ेद रंग के जो दूध से पंचामृत से भगवान शिव का अभिषेक करना लाभदायक सिद्ध होगा। और जब कभी भी आप हॉस्पिटल में दिखाने जाएं तो 2/11/20 और 29 तारीख को दिखवाने जाना आपके लिए लाभदायक रहेगा। 5, 14 और 23 इन तारीखों को कभी भी डॉक्टर से सलाह न लें और मेडिकल ट्रीटमेंट
न ले वो आपके लिए नुकसानदायक और घातक सिद्ध हो सकता है। क्योंकि आप चंद्रमा प्रधाने काले रंग का प्रयोग करना ही अपने आप में रोग को जन्म देना रहेगा, इसलिए काले रंग का प्रयोग आप बिल्कुल भी ना करें। जी कैलाश जी, आपने बताया था कि खासतौर पर विशेष महत्व माना जाता है गणेश चतुर्थी पर पूजा करने का, लेकिन पूजा जो है किस प्रकार करनी चाहिए वो भी जानना चाहेंगे आपसे। दर्शकों, विधिवत गणेश पूजा सभी व्यक्ति कर सकते हैं। अगर आप शास्त्रोक्त करना चाहते हैं तो गणेश पूजा के बाद गणेश अथर्वशीष के पाठ करना भगवान गणेश चतुर्थी में भगवान श्री गणेश की पूजा को सर्वश्रेष्ठ रूप प्रदान करता है। और गणेश अथर्वशीष थोड़ा बड़ा है, संस्कृत में है, क्लिष्ट है, वो नहीं कर पा रहे, तो फिर गणेश चालीसा का पाठ करें। लेकिन विधिवत पूजा के बाद शास्त्रोक्त पूजा करना भी अपने आप में सर्वश्रेष्ठ रहता है। और पीताम्बर या श्वेतांबर पहन के भगवान श्री गणेश की पूजा अर्चना या उसके पाठ जो रहते हैं वो करने चाहिए। और अगर आपके शादीशुदा हैं, पत्नी को पास में बिठा के अगर पूजा पाठ कर रहे हैं तो उसका डबल महत्व रहता है। और पुत्र संपत्ति अगर नहीं है, पुत्र रत्न नहीं है, तो गणेश अथर्वशीष के पाठ करना वह भी ठीक 12 बजे गणेश पूजा के बाद सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। कैलाश जी, एक दर्शक और जुड़ी है हमारे साथ, मकराना से सुनीता जी हैं, पुत्री राधिका के बारे में जानना चाहती हैं। राधिका जी के जन्म की तारीख है 17/2/93। सुनीता जी, स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। नमस्कार जी। मैं पूछ रही पंडित जी अपने बेटे के करियर के बारे में। जी कैलाश जी, 17 फरवरी 1993, 17 1 और 7 8 का अंक है। आपकी पुत्री अगर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो साइंस का फील्ड है, साइंस मैथमेटिक्स का फील्ड है, लोहे या इंजीनियरिंग से जुड़ा हुआ जो फील्ड है, मार्केटिंग का जो फील्ड रहता है, उसमें अगर अपना कैरियर बनाए, बैंकिंग सेक्टर के अंदर अगर अपना कैरियर बनाए तो उन्हें विशेष रूप से सफलता मिलेगी। हाँ, 2018 कैलेंडर वर्ष में आपकी पुत्री के विदेश यात्रा के, मतलब आउट ऑफ इंडिया जाके अपना कैरियर बनाने के, एजुकेशन के, डिप्लोमा डिग्री लेने के, इंटर्नशिप लेने के या किसी कॉर्पोरेट कंपनी में नौकरी लगने के योग बनते हैं। तो 2018 में अगर विदेश जाने का मौका आपकी पुत्री को मिले तो उसे मना मत कीजिएगा। पारिवारिक सामंजस्य, आर्थिक संबंधता बनती रहती है और बिगड़ती रहती है, लेकिन एक बार अगर बच्चों का भविष्य बन गया तो अपने आप में सुखद और सफल रहेगा। जी कैलाश जी, उनकी शादी के बारे में भी जानना चाहती थी सुनीता जी। सुनीता जी, आपकी पुत्री 8 के अंक की है, चलित में 17 और 18 दोनों ही वर्ष उनके विवाह के लिए उपयुक्त नहीं है। 2019 जो कैलेंडर वर्ष रहेगा 3 के अंक का, वो आपकी पुत्री के विवाह के लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगा। और उसमें भी ध्यान रखिएगा, आपकी पुत्री का विवाह जिस लड़के से भी हो उसकी जन्म तारीख 4, 13, 22 और 31 नहीं होनी चाहिए। 4 का अंक आपकी पुत्री के लिए विशेष रूप से नुकसानदायक सिद्ध होगा। तो चलिए दर्शकों, भी आगे बढ़ते हैं और अब जान लेते हैं मूलांक 4, 5 और 6 के बारे में। जी दर्शकों, मूलांक 4 राहु का अंक है। आज आपको कुछ चीजों की नए सिरे से शुरुआत करनी पड़ सकती है। वाणी पे पूरा नियंत्रण रखिएगा, अचानक होने वाला खर्चा ज्यादा हो सकता है, पत्नी ज्यादा खर्चा भी करवा सकती है। मूलांक 4 के लिए अगर शुभ रंग की बात करें, हरा जो रंग रहता है वो विशेष रूप से लाभदायक सिद्ध होगा। मूलांक 5 बुध का अंक है। आपके सोचे काम पूरे तो हो जाएंगे लेकिन खर्चा भी बढ़ जाएगा, फिजूल खर्च बढ़ने से भी तनाव रहेगा, अननेसेसरी का ऐसा पैसा पारिवारिक कामों में लगेगा जो आर्थिक तंगी दे सकता है। मूलांक 5 के लिए अगर शुभ रंग की हम बात करें, आसमानी जो रंग रहता है वो विशेष रूप से लाभदायक सिद्ध होगा। मूलांक 6 देवी कृपा का अंक है। अपनी सोच और व्यवहार सकारात्मक रखेंगे, दूसरों से सिर्फ उतनी ही उम्मीद रखें जितनी व्यवहारिक हो। आपके लिए अगर शुभ रंग की हम बात करें, मूलांक 6 के लिए काला जो रंग रहता है दर्शकों, विशेष रूप से आज आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। तो दर्शकों, फिलहाल के वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं हो जाएगा, जल्द वापस हाजिर होते हैं आपके इस पसंदीदा कार्यक्रम में गुड लक टिप्स में।